नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एमडीएल इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले आवास योजना के एक अपडेट के बारे में। ध्यान से, गांव में सबके सर पर होगी अपनी खुद की छत। जी हां भाइयों, यहां पर एक अपडेट देखेंगे आप लोग। जैसा कि दिखाया गया है, एक आर्टिकल आया था जिसमें दिखाया गया कि गाँव में सबके सर पर अपनी छत होगी। जी हाँ दोस्तों, जो नया नियम निकाला गया है गवर्नमेंट ने, नए सिस्टम के साथ प्रावधान किया जो बजट के अनुसार, उसमें दिखाया गया कि देख सकते हैं 26.16 लाख आवास, नए आवास बनाए जाएंगे जो कि बनाए जा चुके हैं और 8.63 का काम चल रहा है। लेकिन ऐसे भी अभी व्यक्ति हैं जिनको आवास योजना की जो राशि थी और जो आवास योजना की लिस्ट में नाम है, अभी भी बहुत सारे लोग वंचित रह चुके हैं। तो दोस्तों जो नया नियम बनाया गया है गवर्नमेंट के अनुसार, उसके अनुसार 2023 में सभी के पास अपना खुद का घर होगा। जी हाँ भाइयों, खुद का घर होगा। ये आर्टिकल कैसा है इसके बारे में आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों पूरा आर्टिकल आप लोग समझेंगे और देखेंगे तभी आपको आवास योजना का लाभ मिल पाएगा। आप लोग कहीं से भी बिलोंग कर रहे होंगे, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे शहरी क्षेत्र से हो, जो बजट पास हुआ 1 फरवरी को, उस बजट के अनुसार किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं हुई है। सभी के पास अब नए नियम के अनुसार आवास योजना का लाभ मिलेगा। चलिए आर्टिकल आपको दिखाता हूँ दोस्तों, क्या आर्टिकल आया है तो ध्यान से देखेंगे भाइयों। गांव में सबके सर पर होगी अपनी छत, जैसा कि ये हेडलाइन बनाया गया था न्यूज। ये जो आर्टिकल है दोस्तों, यानी जो न्यूज है, इसमें देखेंगे लखनऊ प्रमुख संवाददाता, केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास के बजट में 66% यानी टोटल 66% वृद्धि करने के, प्रदेश ग्रामीण को लेकर आवास क्षेत्र जो लाभार्थी हैं आवास मिलना तय हो गया है। कितना दोस्तों, 66% अब एक्स्ट्रा आवास योजना का लाभ मिलेगा सभी लोगों को। जो पिछले साल जो परिवर्तन था, यानी जो पिछले साल लक्ष्य था, उसमें अब 60% का बढ़ावा हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में मौजूदा समय में पात्र लाभार्थियों की संख्या 4.83 यानी दोस्तों 4,30,800 है, बच रही है, जो कि बच रही है अभी भी। अब इसमें देखिए, कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह का कहना है कि अभी तक इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवंटित अधिकांश आवास बनाए जा चुके हैं, शेष आवासों का जो निर्माण है वो अभी भी चल रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, APCC के मुताबिक अब लाभार्थी को जो संख्या बच रही है उन्हें नए वित्तीय वर्ष में आवास दिया जाएगा। जो ये हेडलाइन आप ध्यान से देखेंगे, देख सकते हैं कि जो नए लाभार्थी बचे हैं उनको अब नया आवास कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। और यहाँ पर आप संख्या भी देख सकते हैं, 8.63 लाख आवास का जो निर्माण कार्य है, यहाँ पर देखेंगे, देख लीजिए ध्यान से, दिखाई दे रहा होगा आपको, चल रहा है जो। और यहाँ पर देखेंगे 4.38 लाख अभी भी आवास देना बाकी है। तो जो नया नियम निकाला गया इसके अंतर्गत सभी को आवास योजना का लाभ मिल पाएगा। देखेंगे 26.16 लाख आवास नए बनाए जा चुके हैं जो अभी तक गांव में। अब दोस्तों ये जो आवास का प्लस का योजना है, इसकी योजना के तहत राज्य में 24.67 लाख परिवार आवास के लिए पात्र चिन्हित किए गए हैं। इनमें से अभी तक 11.66 लाख को आवास दिया जा चुका है, यानी दोस्तों 11,66,000 अब तक 26.15 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं आप। और ये जो यहाँ पर मोटी मोटी हेडलाइन में आप देखेंगे, यहाँ पर सबसे से दिखाई दे रहा है, इसमें एक आप तो दिखाई दे रहा है आपको 8.63 लाख आवास का भी काम चल रहा है। जैसे पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, ऐसे आपकी राशियाँ आती जा रही हैं। लेकिन अभी जो बची हुई है 4.83 लाख आवास, जो कि नए अभी बनेंगे इस वर्ष में। यानी दोस्तों जो इस प्रदेश का न्यूज है, इसमें 4.5 लाख अभी भी आवास बनाए जाएंगे इस प्रदेश में। लखनऊ देख लिए हैं तो ये जो न्यूज है उत्तर प्रदेश के लिए है। जी हाँ दोस्तों, यूपी के लिए है। यूपी के सभी राज्यों में, यूपी के सभी जिलों में खुशखबरी की बात होगी कि अभी भी 4,38,000 आवास इस वर्ष बनाए जाएंगे 2023 में। जी हाँ भाइयों, 2023 में 4,38,000 आवास बनाए जाएंगे। तो चलिए भाइयों, जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आवाज़